वेलकम टू गूगल केमिस्ट्री। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टी, सॉलिड की प्रॉपर्टी हम लोगों को पढ़ना है। तो बेसिकली जो आज का लेक्चर है इसमें हम तीन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो कि आपके बुक्स में दी है। पहली प्रॉपर्टी हमारी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दूसरी प्रॉपर्टी हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और तीसरी डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द टॉपिक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है ये क्यों होती है किसी चीज़ में, ये या तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता यानी कि इलेक्ट्रॉन और होल के बीच में जो मोशन होता है इस रीज़न से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होती है। बात करें अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पे तो नॉर्मली सब्सटेंस को थ्री पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला हम बोलते हैं कंडक्टर, दूसरा बोलते हैं इंसुलेटर और तीसरा बोलते हैं सेमी कंडक्टर। ये तो बात हुई बेसिकली किसी भी मटेरियल के लिए, बट अगर हम बात करें सॉलिड की तो यहाँ पे भी तीन ही पार्ट में डिवाइड किया गया है। किसको? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये होती है कि जब किसी चीज़ में करंट का फ्लो हो तो ऐसे प्रोसेस को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं। तो ऐसे सॉलिड जो अपने अंदर करंट का फ्लो होने देते हैं, बेसिकली नॉर्मली होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो, उसको हम कंडक्टर कहते हैं। और ऐसे सॉलिड जिसमें करंट फ्लो नहीं होता, बेसिकली जैसे हमारी लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गया, पॉलीमर हो गया कोई भी, तो ऐसे टाइप के सब्सटेंस या सॉलिड को इंसुलेटर कहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो जीरो केल्विन पे तो हमारे इंसुलेटर जैसे बिहेव करते हैं बट नॉर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देते हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम सेमी कंडक्टर कहते हैं। तो बेसिकली हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया किसको? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड को। उन तीनों को हम आपको यहाँ पे समझा दे रहे हैं। और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ मैंने ऐड किया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होइए जहाँ से आपको पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होगा। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक दे दी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोला कि हम इसको तीन कैटेगरी में बांटे हैं। सबसे पहले हम कहे हैं कंडक्टर्स, दूसरा हमारा होता है इंसुलेटर और तीसरा हमारा होता है सेमी कंडक्टर। तो ये तो बेसिकली हमारा नॉर्मल कैटेगराइज हमने किया है। अभी हम ये देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड थ्योरी, एक थ्योरी थी बैंड थ्योरी जिसके बेसिस पे सॉलिड की इन प्रॉपर्टी को, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी को बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया गया है। बैंड थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करती है इन तीनों कैटेगरी को, कैसे वो बता देती है कि इंसुलेटर क्या है, सेमी कंडक्टर क्या है और कंडक्टर क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहली हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड, और ये तीन टाइप के होते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल करंट फैल है फ्लो होता है कंडक्टर कहलाते हैं, जहां पे नहीं फैलता नहीं फ्लो होता इंसुलेटर कहलाते हैं, और जहां पे जीरो केल्विन पे नहीं, बट जीरो केल्विन पे इंसुलेटर लाइक बिहेव करेगा, बट एट रूम टेम्परेचर पे जो कंडक्टर टाइप बिहेव करे, ऐसे सब्सटेंस को सेमी कंडक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो हम इसमें ले रहे हैं मेटल। जितने भी मेटल होते हैं हमारे, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ही अच्छे से शो करते हैं। इंसुलेटर की बात करें तो हम लकड़ी ले रहे हैं, हम बुक ले रहे हैं, हम प्लास्टिक ले रहे हैं, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइक एज इंसुलेटर बिहेव करती हैं। बात करें अगर सेमी कंडक्टर की तो हमारा सिलिकन हो गया, हमारा जर्मेनियम हो गया, इन सब टाइप के एलिमेंट यूज़ होते हैं इसमें। तो आइए अब हम लोग देखते हैं, ये चीज़ तो बहुत ही आसान थी, इसके लिए एक रेंज भी है। वो सारी चीज़ें रेंज कहिए तो हम आपको यही बता दें, अदरवाइज आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और पूरा का पूरा फोकस जो आज का हमारा लेक्चर होगा वो बैंड थ्योरी पे होगा, क्योंकि बैंड थ्योरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इतना मानिए कि ये पूछता ही पूछता आपके बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी रेंज की, तो हम कंडक्टर की रेंज लिख दे रहे हैं 10^8 से 10^6 ओम इनवर्स इसकी रेंज होती है, यहाँ पे मीटर इनवर्स भी करेंगे। इसकी रेंज की बात करें इंसुलेटर की तो ये -20 होती है, ये बहुत ही ज़्यादा निगेटिव रेंज में रहता है। इसकी रेंज की बात करें अगर ओम में, तो ये हमारा 10^-4 से 10^+4 ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स तक हो सकता है। यानी कि अगर आपसे बात करें इन ऑर्डर टू रेंज, तो रेंज की बात करें तो अगर आपसे पूछ लिया कि एक सब्सटेंस है जिसकी रेंज 10^8 टू 10^6 है, ये किसके अंतर्गत आएगा, किस टाइप का सॉलिड है, तो ये कंडक्टर है, ये गुड कंडक्टर है। यानी कि जैसे मेटल, हमारे कोई भी मेटल लेते हैं क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ज़्यादा अमाउंट में और होल पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन होल के बीच में मोशन होता है और इलेक्ट्रिक करंट का फ्लोएशन होता है। दूसरी चीज़ बात करें इंसुलेटर में, तो ये माइनस यानी कि 10^-20 ये इसमें
करंट का फ्लो होता ही नहीं है, हम कुछ भी कर लें। और आगे सेमीकंडक्टर की बात करें तो मैंने बताया जीरो केल्विन पे नहीं होता, और अगर रूम टेम्परेचर पे है तो होता है। अब रूम टेम्परेचर पे कैसे होगा, टेम्परेचर देंगे, कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन बांधे रहेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो फिर करंट का फ्लो होने लगेगा। तो ये हुआ हमारा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड का एक जनरल इंट्रोडक्शन। इसके बाद अब हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है बैंड थियोरी। और बैंड थियोरी को खूब अच्छे से पढ़ते हैं, विथ नोट्स पढ़ते हैं, विथ फुल्ली एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। तो आइए पढ़ते हैं बैंड थियोरी। बात करें अगर बैंड थियोरी की, तो बैंड थियोरी सबसे पहले किस लिए दी गई हमको ये जानना है। कोई भी थ्योरी दी जाती है तो कोई ना कोई रीज़न होता है। तो बैंड थ्योरी ने मेनली एक्सप्लेनेशन दिया कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का, कि कैसे इन चीज़ों की प्रॉपर्टी को एक सॉलिड में एक्सप्लेन किया जाए। ये किसने बताया, बैंड थ्योरी ने। तो हम यहाँ पे हेडिंग डाले हैं बैंड थ्योरी, साथ में लिखें एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर बिहेवियर को, जो कि सॉलिड में पाया जाता है, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। तो अगर हमको बैंड थ्योरी पढ़नी है तो बेसिकली हमको तीन टाइप के टर्म समझने होंगे, जिनको बिना समझे हम बैंड थ्योरी नहीं पढ़ सकते। तो आप भी मेरे साथ समझिए वो तीन टर्म कौन से हैं। पहला टर्म है हमारा बैलेंस बैंड, पहला टर्म है हमारा बैलेंस बैंड, दूसरा जो हमारा टर्म है कंडक्शन बैंड, और तीसरा जो हमारा टर्म है वो है फॉरबिडन गैप। क्या है, फॉरबिडन गैप। इन तीन चीज़ों को, फॉरबिडन गैप या हम एनर्जी गैप भी इसको कह सकते हैं, एनर्जी गैप, इन तीन टर्म को जब हम अच्छे से समझ लेंगे तो हमको बैंड थ्योरी समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या करना है इन चीज़ों में। तो बेसिकली अगर आपसे बात करें बैलेंस बैंड, तो बैलेंस बैंड को समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हमने एक एग्जांपल लिया, हमने लिया सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, आप सभी जानते हैं। इसके लिए जब हमने एटॉमिक नंबर फिलअप किया तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 एंड 3p0, इतनी वैल्यू आई। अगर हम बात करें ये यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल की, तो ये जो 3s1 है ये हमारा सबसे आउटर मोस्ट सेल है, ये चीज़ हम जानते हैं। और इस 3s1 में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे। और बेसिकली हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जो हमारा सबसे बाहरी सेल होता है उसको हम बैलेंस सेल कहते हैं, और उस सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होते हैं उसको हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं क्या, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इसी सेल को अगर एक बैंड के रूप में हम देखें तो ये सेल के इलेक्ट्रॉन जिस बैंड में आएंगे उसको हम क्या कहेंगे, बैलेंस बैंड। यानी कि ये हमारा क्या हुआ, बैलेंस बैंड। अगर बात करें सोडियम एटम के लिए तो इसका बैलेंस बैंड क्या है, 3s1, यानी कि जिसमें हाईएस्ट ऑक्युपाइड इलेक्ट्रॉन आए ऐसे बैंड को हम क्या कहेंगे, बैलेंस बैंड, क्योंकि हाईएस्ट ऑक्युपाइड इलेक्ट्रॉन इसी में है। अगर हम देखें तो लास्ट में सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन ये है 3s1। अब इसके बाद तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, यानी कि वैकेंट है। तो बात करें दूसरे टर्म की, कंडक्शन बैंड क्या है, तो इस बैलेंस बैंड के बाद जितने भी सेल आएंगे इसको कंडक्शन सेल या कंडक्शन बैंड कहेंगे। यानी कि ये जो हमारा 3p है, क्योंकि 3p0 है, ये हमारा वैकेंट है, तो ये हमारा कौन सा बैंड हो गया, कंडक्शन बैंड। अभी हम आपको और अच्छे समझा रहे हैं तब क्लियर होगा, ये हमारा कंडक्शन बैंड। यानी कि सोडियम के लिए अगर बात करें बैलेंस बैंड की तो 3s1 हमारा क्या है, बैलेंस बैंड है। और अगर बात करें 3p0 की, क्योंकि 3s के बाद जो खाली स्थान है, जो खाली सेल है, इसको हम क्या कहेंगे, कंडक्शन बैंड। इतनी चीज़ क्लियर। अब देखिए इस बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है, इस बैलेंस बैंड यानी 3s और 3p के बीच में जो एनर्जी गैप है, इसी को हम एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप कहते हैं, इसी को हम एनर्जी गैप या फॉरबिडन बैंड कहते हैं। तो हमने यहाँ से समझा कि बैलेंस बैंड हमारा क्या है, कंडक्शन बैंड क्या है, और फॉरबिडन या एनर्जी गैप क्या है।
अब हम चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को हल्की सी एनर्जी दें तो ये जंप करके इसमें चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि इनके और इनके बीच का जो एनर्जी गैप है बहुत ही कम है, और अगर कम है यानी कि ये अच्छा कंडक्टिविटी, अच्छा कंडक्टर है किसका? इलेक्ट्रिक का, क्योंकि एनर्जी गैप बहुत लो है। और अगर ये एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा ही नहीं, यानी कि इंसुलेटर लाइक बिहेव करेगा। और अगर ये थोड़ा कम हो, थोड़ी एनर्जी दें, ये चला जाए तो सेमीकंडक्टर। तो यही चीज़ को समझाने के लिए बैंड थ्योरी दी गई। तो बेसिकली हमने तीन टर्म डाले कि बैलेंस बैंड क्या है, कंडक्शन बैंड क्या है और फॉरबिडन गैप क्या है। तो अब हम आपको अगर इसको प्रेजेंट करने का तरीका कहें तो उस बैलेंस बैंड को हम क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पे समझा रहे हैं आपको। जो हमारा बैलेंस बैंड है इसको हम कह सकते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड हो, यानी कि फील्ड पोर्शन, जो पोर्शन फील्ड हो, फील्ड पोर्शन है ये, क्या पाया गया है इसमें इलेक्ट्रॉन फुल्ली ऑक्युपाइड है। और बात करें अगर कंडक्शन बैंड की तो हम कह सकते हैं वैकेंट कंडक्शन बैंड की बात करें तो ये वैकेंट सेल है, यानी वैकेंट सेल, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। और अगर इससे इसमें इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो वही इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी शो होती है। यानी कि दोनों चीज़ को समझाने के लिए अगर हम आपसे बात करें बैलेंस बैंड को दिखाने की, तो हम इस बैंड को ऐसे दिखा दें। क्यों ऐसे दिखा दें? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइड है। बात करें कंडक्शन बैंड की तो इसको हम वैकेंट दिखा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कंडक्शन बैंड, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आई होप आपको ये तीनों टर्म क्लियर हुआ होगा कि बैलेंस बैंड क्या है, कंडक्शन बैंड क्या है और फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है। अब इनके और इनके बीच में जो एनर्जी गैप होगा, जब ये ओवरलैप करेंगे तो जो एनर्जी गैप होगा वही फॉरबिडन गैप या एनर्जी गैप है। तो अब इन्हीं तीन टर्म के बेसिस पे हम क्या देखेंगे कि कंडक्टर क्या होता है, सेमी कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं रफ कर रहा हूँ। और अगर आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो बेहिचक रहिए, नोट्स आपको मिलेगी। ठीक है, तो हम इसको रफ कर रहे हैं। हमने जो समझा बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड फॉरबिडन गैप, उसकी नोट्स ये आपको मैंने लिख दिया है इस पे, आप अच्छे से इसको नोट डाउन करिए। देखिए हमने क्या लिखा है, इट इज मेड अप बाय बैलेंस सेल ऑर्बिटल। जो हमारा बैलेंस बैंड होता है ये बैलेंस सेल ऑर्बिटल से बना होता है, व्हिच इलेक्ट्रॉन इन देम, जिसके इलेक्ट्रॉन इसमें रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम के केस में मैंने बताया कि जो बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है वो बैलेंस बैंड की तरह बिहेव करेंगे, यानी कि बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन फिलअप रहते हैं। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, जो हम ऐसे दिखाएंगे, जरूरी नहीं कि हर बुक में इसी तरह दिखाया हो। बात करें अगर कंडक्शन बैंड की तो इट इज़ मेड अप बाई दीज ऑर्बिटल व्हिच आर अनऑक्युपाइड। मैंने बताया ना कि जो वैकेंट बैंड होंगे, जो वैकेंट ऑर्बिटल होंगे वो कंडक्शन बैंड का फॉर्मेशन करते हैं। सोडियम के केस में लें तो 3p और 3d वैकेंट था, इसलिए कंडक्शन बैंड हुआ। आगे बात करते हैं फॉरबिडन गैप की, तो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का ये जो गैप है इसको एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप कहते हैं। तो आई होप आपको चीजें और अच्छे से अब क्लियर हो गई होंगी। तो मैं हटता हूं, जल्दी से लीजिए आप स्क्रीनशॉट, फिर हम बात करते हैं तीनों प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन। हम एक्सप्लेन करेंगे तीनों प्रॉपर्टी को, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर को, ऑन द बेसिस आप तीन टाइप के जो हमने बैंड पढ़े उसके बेसिस पे। सबसे पहले हम देखते हैं कंडक्टर को। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जहां पे इलेक्ट्रिसिटी पास हो, तो मैंने क्या लिखा, दोज मटेरियल व्हिच शो कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड। ये हमारा हुआ बैलेंस बैंड जिसमें ऑर्बिटल फील्ड है, इसको हमने ऐसे दिखाया है। ये हमारा बैकेंड जिसको बैकेंड दिखाया है, यानी बैकेंड ऑर्बिटल को कंडक्शन बैंड कहते हैं और फील्ड ऑर्बिटल को बैलेंस बैंड कहते हैं। तो जहां पे इनके और इनके बीच में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए या इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां चले जाएं, और ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप कब करके चले जाएंगे, हल्की सी हीट देने पे या कुछ ना दिया जाए तब भी, जब ये जो हमारा एनर्जी गैप है इनके और इनके बीच में बहुत ही लो रहे या तो ना रहे। अगर एनर्जी गैप नहीं है तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आसानी से फ्लो करेंगे। यानी कि अगर हम बात करें कंडक्टर की, तो कंडक्टर किसे कहते हैं, दोज मटेरियल व्हिच अलाउ टू इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू देम, जो अपने में इलेक्ट्रिसिटी पास होने दे। ये तो बेसिकली डेफिनेशन है, बट बैंड थ्योरी के बेसिस पर डेफिनेशन क्या होगी, इन दिस टाइप सॉलिड यानी कंडक्टर सॉलिड में बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर प्रेजेंट वेरी क्लोज। बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड यहां पे देखिए हमने बहुत ही नजदीक दिखाया, यानी कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बीच में एनर्जी गैप नहीं है और है भी तो बहुत माइन्यूट, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रॉन आसानी से इस बैंड से इस बैंड में जंप कर जाएंगे। तो ऐसे सब्सटेंस को हम
कंडक्टर्स कहते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है कि इन दिस टाइप सॉलिड बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर प्रेजेंट वेरी क्लोज, देयर इज नो एनर्जी गैप, यहाँ पे कोई एनर्जी गैप ही नहीं रहता, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप कर जाते हैं। बात करें अगर इसके एग्जाम्पल की तो हम क्या लिख सकते हैं, हमारा सोडियम हो गया, हमारा मैग्नीशियम हो गया, यानी जितने भी हमारे मेटल हैं ये सब गुड कंडक्टर होते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। अब हम सेकंड बात करते हैं इंसुलेटर की और आफ्टर दिस सेमीकंडक्टर। बात करते हैं अब इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर में जो एनर्जी गैप है, सबसे पहले इस डायग्राम को देखिए, ये हमारा बैलेंस बैंड है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फील्ड है यानी कि ऑर्बिटल फील्ड है, ये हमारा कंडक्शन बैंड है जहाँ वैकेंट है, और ये लार्ज एनर्जी गैप है, इनके बीच में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा, यानी अगर हम इसको हीट भी कर रहे हैं तो एनर्जी यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जाने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, यानी कि जाएगा ही नहीं। तो जहाँ पे बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के जो बीच की डिस्टेंस है या जो एनर्जी डिफरेंस है बहुत ज़्यादा हो, लार्ज नंबर में हो, लार्ज अमाउंट में हो, तो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं, यानी कंडक्टर इलेक्ट्रिक कंडक्ट होगा ही नहीं। तो हम क्या कह सकते हैं कि इंसुलेटर में हमारा लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड, नो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा। एग्जांपल के लिए ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, बुक्स हो गई, लकड़ी हो गई, जितनी भी सारी चीज़ें हैं जैसे सॉलिड हैं, जितने भी ऐसे सॉलिड हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं होती, ऐसे सॉलिड को इंसुलेटर कहते हैं। और बैंड थ्योरी ने बस एनर्जी गैप के बेस में आसानी से समझा दिया। हालांकि ये एक हाइपोथेटिकल थ्योरी थी, इसका कोई प्रूफ नहीं है, बट इसने जो भी कुछ कहा बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब हम देखते हैं सेमीकंडक्टर और उसके एग्जांपल। करते हैं तीसरे प्रॉपर्टी की सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर में सबसे पहले इस डायग्राम को समझते हैं, ये हमारा बैलेंस बैंड है जो कि फुल्ली है ऑक्युपाइड है, ये हमारा कंडक्शन बैंड है जो कि वैकेंट है, ये एनर्जी गैप है, इसके बीच में स्मॉल एनर्जी गैप है। जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया कि जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर में होता क्या है कि जीरो केल्विन पे वो चीज इंसुलेटर रहती है जो सेमीकंडक्टर है, और रूम टेम्परेचर पे वो कंडक्टर हो जाती है, इसी को हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो देखिए यानी कि एनर्जी गैप काफी स्मॉल है जो कि हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉन को जंप करा दे रहा है, कहां से, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, और इलेक्ट्रॉन जैसे ही जंप करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगती है। तो मैंने क्या लिखा है, स्मॉल एनर्जी गैप, ये एनर्जी गैप स्मॉल है, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारे इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं और हीट यानी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होने लगता है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी दिस टाइप सब्सटेंस इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। इसके एग्जांपल के लिए सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारे सेमीकंडक्टर जैसे बिहेव करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में बेसिकली थ्री प्रॉपर्टी, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और हाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को हमने देखा। उसमें हमने बेसिकली डिस्कस किया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड, जिसमें हमने तीन टर्म सबसे पहले देखे, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। आफ्टर दिस बैंड थ्योरी का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया। इसके नोट्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बैंड थ्योरी को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू क्लास 12।